मैं मंगा के देता हूँ, जो चाहिए मैं मंगा हूँ। अब तक कि जिंदा कैसे है? अब आपको इनका बहुत ज्यादा ख्याल, शादी नहीं करनी चाहिए थी ताकि तुम जमशेद से शादी कर सको। चाचा आपकी पसंद का खाना लाई हूँ आज। भाई भाई मेरा, भाई मेरा, भाई मेरा। फर्क के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि इर्सा और हसन कमाल अपने बाप के घर आरिफ के घर जाते हैं, तो वहाँ उसे नशन की हालत में देख के हैरान हो जाते हैं और आरिफ भी अपने सर को देखकर बहुत हैरान होता है और जाने की कोशिश करता है, तो हसन कमाल उसे रोक लेते हैं क्योंकि वो इस हालत में नहीं होता कि वो कहीं जा सके क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ही शराब पी हुई होती है। तो वो कहता है कि सर मुझे 10 मिनट दें, मैं अभी आता हूँ। हसन कमाल कहते हैं क्या चाहिए, मैं आपको मंगा कर देता हूँ। अपने बाप की ये हालत देख कर इर्सा भी बहुत शर्मिंदा होती है हसन कमाल के सामने और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल जब वो लेकर जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि शायद ही कोई चीज़ इन्होंने छोड़ी होगी और मैं तो हैरान हूँ कि पता नहीं ये ज़िंदा कैसे हैं क्योंकि मोस्टली इस हालत में पेशेंट मर जाते हैं। ये बात सुन के इर्सा बहुत हैरान रहती है और डॉक्टर कहते हैं कि अब आपको इसका बहुत ख्याल रखना होगा, अगर इन्होंने सिगरेट या शराब पी तो शायद ही ये बचें। इर्सा वहाँ से अपने घर आ जाती है और हसन कमाल से कहती है कि आपको मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि वो जान जाती है कि फ़ायसा हसन कमाल से शादी करना चाहता था। तो हसन कमाल उस पर ही शक करता है कि तुम इसलिए कह रही हो ताकि तुम जमशेद से शादी कर पाती। इर्सा खामोश हो जाती है, उसे कोई जवाब नहीं देती। वहाँ दूसरे दिन जब बानू आरिफ के लिए खाना लेकर आती है तो देखती है कि आरिफ गिरा हुआ होता है। आरिफ मर आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि आरिफ आपको आने वाली एपिसोड में नज़र नहीं आएंगे क्योंकि वो मर जाएगा। बानू जल्दी से खाना रखती है और आरिफ को उठाने की कोशिश करती है लेकिन आरिफ नहीं उठता। तो वहाँ वो अपने इर्सा को फ़ोन कर देती है कि तुम्हारे अबू की तबीयत ठीक नहीं है। इर्सा ड्राइवर के साथ अपने घर आ ही रही होती है कि रास्ते में उन्हें डाकू मिल जाते हैं और हसन कमाल उसके साथ नहीं होता। इर्सा बहुत डर जाती है और इर्सा कहती है कि जो तुम्हारे पास है ड्राइवर दे दो। ड्राइवर इर्सा मैम के कहने पर वो दे देता है, तो दूसरी तरफ वो इर्सा के पास भी आ जाते हैं। इर्सा फटाफट से अपना मोबाइल, वो कहती है मेरे पास कुछ नहीं है, तो वो कहते हैं कि अपना मोबाइल ही दे दो। तो वो उससे उसका मोबाइल छीन कर लेके जा रहे होते हैं और जो भी उसके पास ज़रूरी ज़ेवरात होते हैं सारा ले जाते हैं। लेकिन इर्सा को कोई टेंशन नहीं होती क्योंकि वो बहुत अमीर बन जाती है, उसे बस ये शुक्र होता है कि उसकी जान बच गई। और जब वो डाकू भाग रहे होते हैं तो आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जमशेद का दोस्त आदिल की गाड़ी उन्हें रोक लेगी और सारा सामान इर्सा को वापस मिल जाएगा और इर्सा बहुत थैंक अदा करेगी।